किसी ने क्या खूब कहा है, स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी गरीब की झोपड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे हमें अपने स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है परोपकार की कीमत। एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए थे। नदी में स्नान करते वक्त साधु को धारा में बहते हुए एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार किया। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार फिर बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक मारने की प्रक्रिया कई बार चली, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हुए और बिच्छू को पानी के बाहर निकाल लिया। इस बचाने की प्रक्रिया में साधु के हाथ में बिच्छू ने 7-8 बार डंक मार चुका था। समीप में साधु का एक शिष्य यह सब खड़ा होकर देख रहा था। शिष्य से रहा नहीं गया, उसने साधु से पूछ लिया कि महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इसे पानी के बाहर क्यों निकाला? शिष्य के सवाल को सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारने का स्वभाव बिच्छू का है। इस जवाब को सुनकर शिष्य ने कहा कि फिर भी आपने उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ा? शिष्य की बात सुनकर साधु फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो स्वभाव से साधु, भला मैं कैसे अपने स्वभाव को त्याग देता और बिच्छू को बचाना छोड़ देता। इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, बस यही बात सबको समझने की है। जो मनुष्य दूसरों को देखकर या अन्य बाहरी कारणों से अपनी प्रकृति बदल देता है, उसकी प्रकृति में स्थिरता नहीं कही जा सकती। और जिसकी प्रकृति में स्थिरता नहीं, वह अपने बाबत कोई दावा कभी नहीं कर सकता। फिर भी हर कोई 24 घंटे अपने बाबत न सिर्फ 1000 ओपिनियन देता है, बल्कि सज्जन, सीधा, सरल व धार्मिक होने का दावा भी करता रहता है। लेकिन जरा सा छेड़ों की सज्जनता और धार्मिक ताकि सारे दावे पल भर में जमीन पर ध्वस्त हो जाते हैं। और कभी कोई ज्यादा अहंकारी या होशियार ना भी हो तो किसी के जरा सा छेड़ने पर उसके भीतर तो राक्षस का आगमन हो जाता है। अब ऐसा अस्थिर प्रकृति का मनुष्य चाहे जो वह चाहे जैसा दावा करे, सुखी व सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग कहानी से जो हमें सीख मिलती है कि हमें अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करना चाहिए, स्वभाव को बनाए रखना चाहिए जैसा कि साधु ने अपना स्वभाव बनाए रखा। क्योंकि साधु का स्वभाव है दूसरों की सहायता करना, दूसरों पर दया करना। वैसे भी हमारे मनुष्य का भी स्वभाव है कि हमें भी दूसरों पर दया करना, या जो भी हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हमें मुस्कुराने का स्वभाव है तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, हमें खुश रहने का स्वभाव है तो हमें खुश रहते रहना चाहिए, अभी दूसरों को हेल्प करते रहने का स्वभाव है तो आप हेल्प करते रहें। अपनी स्थिति को आप मत बदलिए दूसरों के कारण, उसी को दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। और इस स्वभाव को न बदलते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ
यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ प्रसंग आपको मिलते रहें, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।